हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है डेली यूज प्रोडक्ट रिव्यू, जिसमें हम दोस्तों उन प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं जो कि हम घर पे यूज करते हैं या जो भी आप भी यूज करते हैं उन्हीं प्रोडक्ट का हम रिव्यू करते हैं। उनकी हम पूरी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या यह प्रोडक्ट आपके लिए देने लायक है, नहीं है, कम्फर्टेबल है, नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने इसके के लिए कुछ पैसे वेस्ट किए हो। तो दोस्तों, जो आज की वीडियो है, मैंने ये बुक जो आप देख रहे हैं, ये किड्स बुक है जो कि थ्री, अगर आपके किड्स की, अगर आपका बेबी है, अगर आपका बच्चा है तो अगर उसकी एज 3+ ईयर यानी कि 3 साल से अधिक है या 3 साल है तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक है, ये आप देख रहे होंगे। इसमें जो एक सेट आता है, ये इसकी जो कॉस्ट है 360 करीब आती है, बाकी और भी आप फ्लिपकार्ट पे और भी आपको अलग अलग कॉस्ट मिल जाएगी 360 380, लेकिन मैंने सबसे जो मुझे चीप कॉस्ट थी 360 की थी, तो मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, मैंने मंगवाया है। और इसमें 10 तरह की बुक आपको देखने को मिल जाती है, 10 तरह की बुक मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको नंबर, एनिमल्स, बहुत सारे अलग अलग तरह की बुक मिल जाती है, बहुत छोटी बुक है। आप इस बुक को आराम से कहीं भी ले जा सकते हो अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो, क्योंकि जो बुक का साइज़ है बहुत छोटा है और पढ़ने में भी बहुत अच्छी है। HD क्वालिटी की पिक्चर इसमें दी हुई है, भिन्न भिन्न तरह के आइटम आप इसमें आप भी सीख सकते हैं और बच्चों को भी सिखा सकते हैं आराम से। अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो घर पर भी आप इसको स्टडी में सिखा सकते हैं, घर में भी आपको आपका जो बच्चा है वो स्टडी कर सकता है, क्योंकि बुक देखने में इतनी अट्रैक्टिव है तो बच्चा अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्टिव होता है और पढ़ता है। दोस्तों, तो वही मैं आपको अब इसको दिखाता हूँ कौन कौन सी बुक इसमें अवेलेबल है। इसमें अभी 10 तरह की बुक अवेलेबल है जो कि मैं अब इसमें क्लोज लेता हूँ कैमरे को और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जो ये बुक है आपके सामने है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नाम है माई फर्स्ट पिक्चर लाइब्रेरी क्यूट बोर्ड बुक्स फॉर लिटिल वंस, इसमें आपको 10 बोर्ड बुक मिल जाएगी। और इसमें कौन कौन सी बुक आपको देखने को मिलती है वो आपको बता देता हूँ। इसमें आपको ABCD यानी कि आपको जो आपका बेबी है अल्फ़ाबेट सीख सकता है, 1 2 3 यानी कि नंबर्स, फ्रूट्स नेम की आपको बुक मिल जाएगी। इसमें वेजिटेबल नेम्स, डिफरेंट तरह के वेजिटेबल नेम्स की बुक भी आपको मिल जाएगी, और शेप्स जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, वो भी आपको सीखने को से मिल जाएगी। जो इसमें 6 जो 6 नंबर की बुक है, इसमें कलर नेम मिल जाएंगे आपको, विल्ड एनिमल नेम की बुक भी मिल जाएगी, और फार्म्स एनिमल्स पैट्स यानी कि जो कि एनिमल्स हैं फार्म में, उन वे भी आपको भिन्न भिन्न तरह के एनिमल्स के नेम्स और उसकी पिक्चर देखने को मिल जाएगी। इसमें आपको बर्ड्स नेम भी देखने को मिल जाएंगे, और ट्रांसपोर्ट आइटम जैसे कि व्हीकल्स, कार, बस, ट्रक, मेट्रो, इस तरह के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अब मैं इसको थोड़ा क्लोजली दिखा देता हूँ। जो इसमें आप देख रहे हैं, ये कई तरह की बुक है, पूरी 10 तरह की बुक आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। मैं आपको एक एक बुक दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं अगर ट्राई करता हूँ तो मैं सबसे पहले ये बर्ड की बुक है आप देख रहे हो, तो इसको मैं ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं बर्ड वाली बुक आपको दिखा देता हूँ, वो तो कितनी अच्छी है आपको दिख रही, कितने अच्छे इसमें दिखाया हुआ है, माई क्यूट बोर्ड बुक बर्ड्स नेम। और बहुत छोटी बुक है, देखो कितने कम इसका साइज़ है, मेरी एक उंगली जितना साइज़ है इसका, मेरे हाथ में आराम से आ सकती है, जितना फ़ोन होता है इतना साइज़ है, फ़ोन से भी छोटा ही साइज़ है। जो कि आप ट्रेवल भी कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो या आपका कोई और घर है, जैसे बच्चे मामा के जाते हैं या कहीं भी अपने रिश्तेदार जाते हैं, वहाँ भी आप आराम से कुछ ना कुछ 2-3 बुक ले जा सकते हैं आराम से, जो कि बिल्कुल भी वेट बहुत हल्का वेट है और आराम से ले सकती है। और देखो अब आराम से कितना इसमें HD, बिल्कुल HD पिक्चर इसके अंदर दी हुई है। स्पैरो बर्ड नेम, बहुत सारे बर्ड्स नेम इसमें दिए हुए हैं, पीजन डक। और अगर इसकी पेज की बात करूँ तो इसमें आपको 12 पेज मिल जाएंगे, हर बुक में 12 पेज मिल जाएंगे। और कलर की अगर बात करूँ तो कितना अच्छा कलर दिया हुआ है,
कोई भी अगर बच्चा इसको पढ़ रहा है तो देख इसको देखते ही पढ़ने लग जाए, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव HD में क्वालिटी में इस पिक्चर दी हुई है। और भिन्न भिन्न तरह के एनिमल, जो भी एनिमल भी सॉरी भिन्न भिन्न तरह के बर्ड्स नेम आपको देखने को मिल जाएंगे, उसकी पिक्चर देखने को मिलेगी और उसका अलग अलग तरह का नाम देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आपके लिए भी, अगर आप बड़े हैं आपके लिए भी नॉलेजेबल है, यानी आप भी इससे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, जो कितनी अच्छी इसमें क्वालिटी है। और अगर उसकी बात करूँ तो जो पेज देखो कितना मोटा पेज है इसका, बहुत अच्छा पेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। दोस्तों ये तो बर्ड नेम की थी, तो इसको मैं साइड करता हूँ। जो अगली बुक मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, क्योंकि तो 10 तरह की बुक है, तो जो अगली बुक है फ्रूट्स नेम है। फ्रूट्स नेम में भी वही आपको भिन्न भिन्न तरह के फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो ट्री, इस तरह के फ्रूट नेम देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब अगली बुक को मैं लेकर चलता हूँ, जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जो अगली बुक है नंबर नेम 1 2 3, क्योंकि अगर आपका बच्चा पढ़ा तो 1 2 3 ABCD तो देखने को बिल्कुल उसे बिल्कुल लर्निंग होनी चाहिए उसकी, तो 1 2 3 भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें देखो अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे 4 लिखा है तो इसमें 4 आपको 4 पिक्चर भी दी हुई है, जैसे 5 है तो 5 पिक्चर दी हुई है, और पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव है। और 5 के बाद ये लिखा भी हुआ है कि इस पिक्चर का नाम क्या है, डोनट 6 रिंग स्टैक। और ये जो जो भी पिक्चर दी हुई है सभी टॉयज की दी हुई है, जैसे जो कि आपका बेबी टॉयज पता ही है, तो टॉयज के साथ खेलता है, कहीं ना कहीं उसके पास ये टॉयज होंगे तो वो बहुत जल्दी सीख जाता है, क्योंकि उसने टॉयज पहले ही सीखे हुए हैं, पहले ही देखे हुए हैं, तो उसके माइंड में पहले से ही इसकी पिक्चर कैप्चर हुई है। जैसे बॉल दिखाई हुई है, 8 बॉल, तो 8 8 बॉल है, तो यहाँ पर पूरी आपको 8 बॉल देखने को मिलेगी और बीच बॉल लिखा भी मिलेगा। दोस्तों अब ये हमारी तीन पूरी हो चुकी है। अब मैं जो चौथी पिक्चर चौथी बुक आपको दिखाता हूँ, तो चौथी है ABCD की बुक, इसमें आपको ABCD देखने को मिले, ए से एप्पल, बी से बॉल, बहुत अच्छे कलर के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये पांचवे नंबर की जो बुक है कलर नेम, क्योंकि अगर आपका बेबी कुछ भी पढ़ रहा है तो उस कलर का पता होना चाहिए, तो वो कितना अच्छा इसमें रेड है, तो पूरी रेड की एक पिक्चर दिखाई हुई है, इसके बाद रेड का जो कलर है एप्पल में दिखाया हुआ है, जैसे ब्लू है तो ब्लू कलर के मोजे यानी बूट्स, ग्रीन है तो ग्रीन कलर का पैरट। यहाँ पे पूरी एक जो पूरा पेज है वो कलर का दिया हुआ है, उसमें आगे उसका जो भी एनिमल है या जो भी बर्ड्स है उसका पिक्चर दी हुई है, जैसे ऑरेंज ऑरेंज है तो पूरा उसका ऑरेंज का दिखाया हुआ है, पूरा कलर दिखाया, तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत लर्निंग स्किल्स में बढ़ेगा। अगर आपका बच्चा पढ़ता है तब भी उसके लिए अच्छी है, नहीं पढ़ता है यानी कि अगर स्कूल जाता है तब भी उसके लिए ये फ़ायदेमंद बुक है। बहुत ये एनिमल्स नेम आपको डिफरेंट तरह के एनिमल नेम देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपने देखे भी नहीं होंगे, ये भी एनिमल आपको देखने मिल जाएंगे। आपका जो बेबी है उसकी स्किल्स बढ़ जाएगी, लर्निंग स्किल बढ़ जाएगी, घर पर ही बहुत कुछ सीख जाएगा। तो जो अगली बुक्स है फार्म्स एंड एनिमल्स पेट्स नेम है, जिसमें आपको डिफरेंट तरह के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बल्स, डंकी, कैमल्स, इस तरह के मिल जाएंगे। दोस्तों अगली जो बुक है सेफ्स नेम, सेफ्स नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर जैसे 3 साल का बच्चा है तो उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आगे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे जिसमें दिखा है सर्कल, सर्कल किस तरह होता है आप बता सकते हो, कि जो सर्कल होता है जो हमारी वॉच होती है वो सर्कल टाइप पे होती है, जैसे हमारा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर कारंट बोर्ड होता है, यानी कि जो इसमें एग्जाम्पल दिए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम्पल घर से लिटी, जैसे आप ओवल की अगर हम बात करें तो ओवल जैसे एग, आप अपने बेबी को बता देंगे एग हमारा ओवल टाइप पे होता है, इस तरह हर्ट हर्ट हमारे हर्ट की जैसे शेप कैसी होती है, कि हमारी लिप यानी कि बरगद की पेड़ की पत्ती जैसी होती है, आप कोन की शेप बता देते हो, कि अगर जैसे जो आप बच्चों आप आइसक्रीम खा देते हो तो कोन की शेप में होता है, तो इससे बच्चे की लर्निंग स्किल बढ़ जाएगी और वो घर पे ही सीख जाएगा कि हाँ घर पे जो हम आइटम यूज करते हैं वो इस शेप में, जैसे आप कैन यूज करें सिलेंडर शेप में है, क्यूब, तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी तरह से इसमें समझाया हुआ है। जैसे मैं और दिखा, जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल जिसकी लेंथ और बड़ी होती है, लंबाई चौड़ाई होती है, तो रेक्टेंगल का एग्जाम्पल देता है कि दूर जो घर में दरवाज़ा होता है, बच्चों जो घर में दरवाज़ा होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। तो दोस्तों जो अगली बुक की मैं अगर बात करूँ तो आप ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब आप कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट का आइटम जो आप यूज करते हैं, जैसे बस, कार, ट्रक, तो वो उसके आप नाम देखो, स्कूटर, एम्बुलेंस, कितनी अच्छी पिक्चर दी हुई है, फायर इंजन, वैन, तो ये है। तो लास्ट की जो सबसे लास्ट की बुक है दोस्तों, उसका नाम है वेजिटेबल नेम्स, क्योंकि वेजिटेबल नेम बच्चों को जरूर पता होना चाहिए आप घर पे यूज करते हैं, जैसे अगर लेडी फिंगर, उसमें दो लेडी फिंगर भी लिखा, ओकरा भी लिखा है, कॉर्न फ्लेक्स, मटर, ग्रीन पीज, टर्निप, जो भी बहुत आप चीज़ें खुद आप भी नहीं जानते होंगे, कि पालक को स्पिनच बोलते हैं, कुछ जानते हो कुछ नहीं जानते हो, तो आपके लिए भी बहुत अच्छी है, काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी हेल्थ
काफ़ी हार्ड है, आराम से स्टडी कर सकते हैं आप इससे दोस्तों। इस तरह की वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, इस तरह की मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। मैं उन्हीं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करता हूँ, उन्हीं प्रोडक्ट की वीडियो बनाता हूँ जो कि आप घर पे यूज करते हैं या आपके कहीं ना कहीं घर पे यूजेबल है और घर पे आगे आप खरीदने वाले। मैंने बहुत प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की है दोस्तों। और दूसरा, मैं जो अनबॉक्सिंग करता हूँ, वीडियो पूरी बनाता हूँ, उसके बाद मैं एक महीने बाद दोबारा उसका रिव्यू करता हूँ कि हाँ ये प्रोडक्ट कितना फ़ायदेमंद है, उसका कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। दोस्तों इस तरह चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना।